बड़ा हादसा टला, मकान में घुसी 108 एम्बुलेंस, मकान हुआ क्षतिग्रस्त। पीड़ित बोला, युवती चला रही थी एम्बुलेंस, शराब के नशे में धुत था ड्राइवर। शिवपुरी जिले के सिरसौत पिछौर मार्ग पर बीती रात चौहान ढाबे के पास एक 108 एम्बुलेंस एक घर में जा चुकी। गरीबत रही कि परिवार के सदस्य दूसरे कमरे में सो रहे थे, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। इस घटना में मकान क्षतिग्रस्त हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एम्बुलेंस को एक युवती चला रही थी और एम्बुलेंस का ड्राइवर शराब के नशे में एम्बुलेंस में बैठा हुआ था। बताया गया है कि 108 एम्बुलेंस का ड्राइवर क्षतिग्रस्त मकान के मालिक को हर्जाना देने की बात कहकर मौके से निकल गया था। इसी के चलते युवती और एम्बुलेंस के ड्राइवर की पहचान फिलहाल नहीं हो सकी। एम्बुलेंस के टक्कर से हुई क्षतिग्रस्त मकान के मालिक ने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। आपका नाम क्या है? सतीश लोधी। अच्छा जी, बताइए जी, आपकी मकान में ये 108 एम्बुलेंस जा घुसी है, तुझे कैसे क्या घटना घटी है? ये सर, दारू पी के ड्राइव कर रहा था और लड़की साथ में थी और ज्यादा स्पीड बता रहे हैं, क्योंकि वो कंपनी से करवाई थी तो 103 की स्पीड बता रहे थे वो। तो ये हादसा जब हुआ तब आप कहाँ थे? मैं कमरे में, बगल के कमरे में सो रहा था। तो फिर इसके बाद आपने क्या देखा? इसके बाद मैंने उठ के देखा तो सीधी मकान के अंदर गाड़ी पहुँच गई। तो जो 108 का जो चालक था, क्या ये ड्राइव कौन कर रहा था? ड्राइव लड़की बोल रही थी, मतलब लड़की ड्राइवर की सीट पर थी, वही बोल रही थी कि अंकल मैं ही गाड़ी को ड्राइव कर रही थी। तो ये चालक जो 108 का, ये कहाँ का बता रहा था? ये आगे गांव है पिछूर के पास में, वो वहाँ का बता रहा है और लड़की दुलई की है। अच्छा, ये बताइए जिस समय ये घटना हुई तो अब उन लोगों का क्या कहना है? उन लोगों का पहले तो ये कहना था कि हम पूरा जितना भी जो भी खर्चा वो तुम्हारा टूट फूट हो गया है वो पूरा हम देंगे, लेकिन आज वो ये बोल रहे हैं कि कुछ नहीं, 2-10 हज़ार रुपये लेना हो तो ले लो, नहीं तो हम पुलिस से गाड़ी खिंचवा लेंगे। अच्छा, ये कहना है, ये बात किसने कही थी? जे जो जो ठेका पर गाड़ी लिए हुए है, शिवपुरी का कोई खटीक है, उसने बोला है, और जिसके नाम गाड़ी है उसने भी मुझे कॉल किया था, वही यही बात बोल रहा था, बोले आप अगर केस कर दोगे तो फिर तुम्हें भी कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, ये बताइए, ये हादसा हुआ है जी, आपके मकान में 108 घुसी है, तो इसकी शिकायत आपने पुलिस में की? हाँ, पुलिस में गया था, लेकिन नाइट में तो उन्होंने कुछ नहीं बोला था, बोल रहे थे वो सुबह आना, अभी कुछ नहीं हो पाएगा। अभी तक ये बताइए, ये इससे आपका कितना नुकसान हुआ है? नुकसान सर, पैसों की बात करें तो समथिंग 1 लाख का खर्चा आ जाएगा, क्योंकि 10x10 का पूरा मकान है, बर्तन वगैरह हैं, जो भी है तखत वगैरह डला था वो भी ख़त्म हो गया। अब आप क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि सर कुछ इसका हो जिससे हमारी हेल्प हो सके। अच्छा, ये बताइए, गाड़ी का कुछ पता है कि कहाँ से आ रही थी, कहाँ जा रही थी? सर वही ड्राइवर बता रहा था और लड़की बता रही थी कि हम दुलई सिरसौत जा रहे थे। अच्छा अच्छा, ये बताइए, ये क्या कहते हैं, ये घटना कितने बजे की है? ये 11 और 12 बजे के बीच की है, रात को। रात को, चलो ठीक।